इस्पात नगरी भिलाई में पिछले 27 फरवरी से एक आयोजन हो रहा है, सेक्टर 1 में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें 8 टीमें मैच खेल रही है। आईपीएल की तर्ज पर ये मैच हो रहा है, आईपीएल की तर्ज पर खिलाड़ियों को खरीदे गए, आईपीएल की तर्ज पर उन्हें ग्राउंड लेवल के खिलाड़ियों को लाया गया। आज फाइनल मुकाबला चल रहा है, चूँकि थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ी देर में मैच का मुकाबला खत्म हो जाएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं अबूझमान टाइगर्स वर्सेस बिलासपुर क्रिकेट के बीच मैच खेला जा रहा है, और अबूझमान टाइगर्स के कोच हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अबूझमान टाइगर्स मतलब नाम से जिक्र होता है तो कि जंगल, बंदूक, क्रिकेट खिलाड़ी कैसे आ गए और फाइनल खेल रहे हैं आज? हमारे लगभग 90% प्लेयर ऐसे हैं जो किसी छोटे गांव से, छोटे जगह से निकल कर आए हैं और बहुत ही गरीबी उन्होंने देखी है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिनके पास अपना खुद का किट भी नहीं था, बल्ला नहीं था, पैड नहीं था, और बहुत सारे प्लेयर जो पहली बार किसी बड़ी टूर्नामेंट में, खासतौर से टर्फ क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं, ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं। तरासे कैसे, मतलब पता कैसे चला कि अच्छा खेलता है, इनको लाया कैसे जाए, फिर उसके पास संसाधन कैसे जुटाए? देखिए, मैं खुद जगदलपुर में, मेरी एक क्रिकेट एकेडमी है, मैं बच्चों को क्रिकेट सिखाता हूं, और बस्तर संभाग में आसपास के क्षेत्र में लगातार मैं प्रतिभाओं पे नज़र बनाकर रखता हूं। तो जो भी अच्छे खिलाड़ी, चाहे वो टेनिस बॉल क्रिकेट के हों, चाहे ड्यूस बॉल क्रिकेट के हों, जो संसाधन की कमी की वजह से अच्छे लेवल तक नहीं खेल पा रहे थे, उनको हम सपोर्ट करते हैं पर्सनली, मैं और आकाश राठौर जी, और उनको तराशने का काम हम आज से नहीं, सालों से करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के खेल प्रकोष्ठ द्वारा इस तरह के आयोजन किया जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि क्रिकेट बहुत दूर है छत्तीसगढ़ में अभी, मतलब बहुत नज़दीक जाने की ज़रूरत है, टैलेंट अभी भरे पड़े हैं, ऐसे आयोजन से टैलेंट सामने आएंगे तो क्या करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं क्रिकेट संघ से कहना चाहूँगा कि वो इस तरह की प्रतियोगिताएँ आयोजित करवाएं। कोई और अगर प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है तो बात बहुत अच्छी है, अभिनव पहल है, लेकिन ये जिम्मेदारी क्रिकेट संघ की है। क्रिकेट संघ को सिर्फ सिलेक्शन बेस्ड मैचेस के अलावा और भी प्रतियोगिताएं आयोजित करवानी चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं, खिलाड़ियों को तराशने का काम, हमें सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो लोकल लेवल पर, जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तराशने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्लेयर आईपीएल में गया इस बार, काफ़ी दुखद बात होनी चाहिए कि उसके एक प्लेयर छत्तीसगढ़, इतने बड़े 2.5 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ में एक खिलाड़ी निकलता है आईपीएल जाता है, और नहीं लगता कि जाना ही चाहिए? देखिए, आप जितना ज़्यादा खिलाड़ी को खेलने का मौका देंगे, अच्छे लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे, अच्छे मैचेस उसको उपलब्ध करवाएंगे, तो उसकी प्रतिभा निखर कर आएगी। खिलाड़ियों में प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कुएं के मेढक बने हुए हैं। एक ही जगह पर अपने छोटे शहर में, चाहे आप रायपुर देख लें, भिलाई देख लें, बस्तर जिला देख लें, अपने शहर में हीरो बनना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। बड़े इस तरह की बड़ी प्रतियोगिताएं और अलग राज्यों में भी जाकर हमको खेलने का मौका मिलेगा, तब जाकर हमारे खिलाड़ी निकलेंगे। आपकी कहानी जानने की कोशिश करूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि आप अबूझमान से आते हैं और यूनिवर्सिटी भी खेले शायद आपके बारे में मैंने पता किया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मतलब इतना सीमित जगह, छोटी जगह से निकल कर? देखिए, एक खिलाड़ी के अंदर जुनून होता है, वो फिर संसाधनों की कमी हो, चाहे कोई भी परेशानियाँ हों, वो सब ना देखते हुए सिर्फ परिश्रम की तरफ ध्यान लगाता है। इसी तरह से मैंने भी अपने कॉलेज के दिनों में, अपने स्कूल के दिनों में काफ़ी मेहनत की, दिल में एक सपना लिए, दिमाग में एक सपना लिए कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है, काफ़ी मेहनत की हमने, लेकिन एक सही समय पर सही गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से शायद मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया। हालांकि मैंने यूनिवर्सिटी लेवल तक क्रिकेट खेला है, लेकिन एक अच्छे समय पर गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से जो मलाल मुझे था, इसी वजह से मैं अब खिलाड़ियों को गाइड करता हूँ ताकि वो भटके ना, उनकी मेहनत सही दिशा में जाए। इससे ज़्यादा मेहनत अभी करनी पड़ रही होगी आपको, क्योंकि अबूझमान के खिलाड़ी मतलब ये ऐसे प्लेयर है जो पहली बार टर्फ खेल रहे हैं। जी हाँ, मैं ये बता दूँ आपको, खुद को मेहनत करके खुद को तराशने में जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उससे ज़्यादा मेहनत दूसरों को तराशने में करनी पड़ती, ये जानकर कि उसका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है, वो सारी चीज़ें देखते हुए उसको तराशना बहुत मुश्किल काम होता है, और बिना सपोर्ट के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमारे साथ अबूझमान टाइगर्स के ओपनर अक्षय सिंह ठाकुर मौजूद हैं। अक्षय सिंह ठाकुर की कहानी आपको बता दूं कि ये सब्जी मंडी में वसूली का काम करते हैं, सब्जी मंडी में तो जो रिकवरी होती है पैसे की वो काम करते हैं, बहुत ग्राउंड लेवल के हैं। इन्होंने कभी सपना नहीं देखा होगा कि टर्फ में खेलेंगे, लेकिन आज उनका सपना पूरा हुआ। सपना कैसे पूरा हुआ, संघर्ष की कहानी जानते हैं। अक्षय, कैसी रही संघर्ष की कहानी यहाँ तक, आज पहली बार आज फ्लड लाइट खेलने जा रहे हैं टर्फ में? सबसे पहली बात तो मैं, हमारे जो कोच हैं, और सच बताऊँ तो विवेक राय मेरे भैया भी हैं, उनसे 100 मीटर की दूरी में रहता हूँ मैं। स्टार्टिंग से मैंने न्यूज़पेपर भी बांटा है दोनों टाइम पे, मॉर्निंग में भी और शाम को भी, और उस बीच खेल खेलना चाहता था लेकिन खेल नहीं पाया। फिर विवेक सर से एक टाइम मिला और विवेक सर ने बताया था, तो उस हिसाब से मैंने स्टार्ट करा खेलना। हालांकि हमारे तरफ उतना खेलना ज़्यादा मिलता नहीं है, तो थोड़ी सी कोशिश करी मैंने और विवेक सर का बहुत ज़्यादा मदद मिला, जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ पे खेल पा रहा हूँ। और मैंने
मॉर्निंग में काम करते करते अपनी पढ़ाई भी छोड़ा है, और खेल के चलते तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, और थोड़ा सा विवेक सर का ज़्यादा सपोर्ट रहा है खेलने में, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि टर्फ में मैंने पहली बार यहाँ बैठा। लोग सोचते हैं कि बस्तर है, अबूझमाड़ है, वहाँ से सिर्फ नक्सली निकलते हैं, वहाँ से सिर्फ आदिवासी निकलते हैं, खिलाड़ी नहीं निकलते। सच बात बताऊँ तो खिलाड़ी बहुत हैं लेकिन उनका सपोर्ट कोई नहीं करता, और जैसे विवेक सर ने कहा कि कुएं के मेंढक बन कर रहे हैं, सेम चीज़ है, वहाँ से निकलने चाहते तो हैं लेकिन निकलने दिया नहीं जाता है। आज आपके मंत्री जी कवासी लखमा जी बैठे हैं, उस रीज़न से आते, उस क्षेत्र से आते हैं, आप जब चौके झड़ रहे थे तो वो ताली बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, चेहरे में मुस्कान थी। आपको नहीं लगता कि सरकार को वहाँ पे और काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है खेल के प्रति? जो सर और एक बात मैं बताना चाहूँगा, विवेक सर ने पिच भी बनाया था तो प्रशासन ने वो पिच ही ख़राब कर दिया। क्यों? मेन बात क्या हुआ था, जब विवेक सर ने पिच बनवाया था हमारे लड़कों के लिए, लोकल के लिए, तो हुआ ये प्रशासन जो पहले थी उन्होंने तो पहले मौका दे दिया कि आप बना लीजिए, प्रैक्टिस करवाइए, सब करवाइए, उसके बाद नए जो आया प्रशासन ने उन्होंने वहाँ पे मेला या फिर दूसरे जो प्रशासनिक कार्य वो कार्य चालू करवा दिया, और हमारा जो खेलने का एक और जरिया था वो भी हमारा ठप हो गया। सर काम तो बहुत है, हमारे साइड के लड़के बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन उनको रोका इसलिए भी जाता है कि उनके पास ज़्यादातर, तो मैं आपको बताऊं कि खेल की जो सुविधाएं हैं पीछे नहीं है, और सबसे अच्छी बात और बुरी बात ये बोलूँगा कि प्रशासन कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल को बढ़ावा देते हैं, आगे आने देते हैं, और कुछ लोग पीछे रोक के रख लेते हैं। अब तक आप सब टेनिस खेलते रहे होगे, ये ड्यूस फर्स्ट टाइम है? टेनिस खेलता था मैं, और विवेक सर के जरिए मैंने स्टार्ट करा, और सच बात बताऊं तो मैं पहले बॉलर था, और विवेक सर की बदौलत आज मैं ओपनर हूं। सच बात ये भी बताओ कि ओपनर कैसे बन गए बॉलर से? बॉलर से ओपनर का जरिया भी बहुत ज़्यादा है, मैंने संभव नहीं ना, मतलब बॉलर बॉलिंग करते हो आप, इसे ओपनिंग करने के बाद? हाँ नहीं, मैं बॉलर तो हूँ प्लस ऑलराउंडर विवेक सर की वजह से बन गया। मैं पहले 11 नंबर का बैट्समैन था, और कुछ साल पहले ही मैंने धीरे धीरे बढ़ोतरी करके काम थोड़ा सा अच्छा, अपना जो प्रैक्टिस सेशन है विवेक सर की बदौलत अच्छा से स्टार्ट करा, और खेल रहा हूँ, और अभी यहाँ हमारी टीम का ओपनर भी हूँ। बड़ी बात है कि बॉलर जो है ओपनिंग बैट्समैन बन जाता है सिर्फ कोच के मेहनत से और उनके संघर्षों से। वन टाइगर्स के एक और खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, सचिदानंद। सचिदानंद के बारे में बता दूं कि ऑफ स्पिनर है, 9 विकेट 2 मैचों में ले चुके हैं, और सबसे इंटीरियर छत्तीसगढ़ के सबसे इंटीरियर सुकमा से आते हैं। सचिदानंद कैसा लग रहा है आज टर्फ मैच खेल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, और पहली बात आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं सुकमा जैसे क्षेत्र से आया हूँ जहाँ पे हमको ये टर्फ पिच, ये नाइट मैच ऐसी कोई सुविधाएँ नहीं है। हम जनरली ये किट भी एक साल पहले ही देखने को मिला, जब से ये CPL चालू हुआ है तब हमको फॉर्म भरने के कहा गया, वो भी हमको भी नहीं पता था, बस जनरली एक बताया गया कि एक CPL होने वाली है जिसमें आपको अगर खेलना है, इंटरेस्टेड है, तो एक ट्रायल है, ट्रायल कर लो। ट्रायल के लिए भी जाने की सुविधा नहीं थी, लेकिन वहाँ से अब हमारे जो कुछ परिजन थे उन्होंने थोड़ा हेल्प किया और हम वहाँ तक गए, फिर वहाँ का फॉर्म भरा, और मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पहुँचने के लिए मुझे बहुत कुछ कष्ट झेलना पड़ा। क्या कष्ट करना पड़ा बताइए, ताकि संघर्षों को हम देखें, बाकी लोग प्रेरणा लें उससे। सबसे पहले तो हमको ऐसा बड़ा मंच कभी आज तक मिला नहीं था। फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। ऐसा फर्ड लाइट क्या होता है हमको पता नहीं था। हम जनरली लेदर बॉल जो आती है, टेनिस बॉल, वही खेलते हैं। खेलते खेलते फाइनल पहुँच गए। हाँ, ये मतलब ड्यूस बॉल में समझ लिया, हमारा पहला ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें हम इतने बड़े टूर्नामेंट में शिरकत ले रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और टर्फ जैसी पिच में हमने आज पहली बार इस टर्फ को देखा है, लाइट पहली बार देखा है, ये सुविधा हमारे सुकमा में अभी नहीं है। अगर घर परिवार में कौन कौन है और क्या करते हैं सब? मेरे घर में मम्मी जी, पापा जी हैं, और एक भाई है और एक बहन है। क्या करते हैं पापा? पापा जी सर्विस में है, फॉरेस्ट में है, और भैया वो अपने प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो ये आप एक साल पहले टर्फ ड्यूस बॉल खेलना शुरू करते हैं और आज फाइनल मैच खेल रहे हैं, तो डर नहीं लगता टेनिस से उसमें ड्यूस में आगे डायरेक्ट? देखिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं चोट वोट भी लगते हैं इसमें कई लोग? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना टेनिस खेलने की आदत थी, ड्यूस बॉल में हमारे में प्रतिभा काफ़ी ज़्यादा है, मतलब चोट से हम डरते नहीं हैं, हमको खेलना है, क्रिकेट हमारे लिए जुनून है, लेकिन हमको सुविधाएँ नहीं मिली। हम चाहते रहे कि ऐसी सुविधाएँ मिले, हम भी टीवी में देखते थे कि इस तरह के कोई टूर्नामेंट होता है, बड़ी बड़ी आयोजन होती है, वहाँ खेलना होता है, हमारे को सुविधा नहीं थी, लेकिन आज इस CPL के जरिए हमको एक ऐसा मंच मिला कि खेल सके, और हमारे में बताना चाहूँगा और भी कभी प्रतिभा है, अगर ऐसा मंच, अगर ऐसा टर्फ हमको दिया जाए, ऐसा फर्ड लाइट और सबसे बड़ी ऐसा हमको टर्फ दिया जाए, खेलेंगे बिल्कुल, हम जुनून में कोई कमी नहीं है, लेकिन बस ऐसा एक सुविधाएं मिलनी चाहिए जो हमको अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है।
ये जुनूनी प्लेयर हैं सचिदानंद, जो सुकमा सबसे इंटीरियर इलाके से आते हैं। एक साल पहले इन्होंने ड्यूज बॉल खेलना शुरू किया और आज फाइनल मैच खेल रहे हैं। इनका कहना है कि इनको संसाधन और सुविधा मिल जाए तो ये इंडिया टीम के भी खेल सकते हैं। बहुत ज़ोरदार खेल रहे हैं, दोनों टीम को बधाई देता हूँ, बस्तर वालों को बधाई पहले, उसके बाद बिलासपुर वालों को। कई खिलाड़ी पहली बार ड्यूज में खेल रहे हैं, बस्तर से आते हैं, सुविधाएं नहीं हैं, कैसे करेंगे? बस्तर में कम सुविधा के बावजूद भी बढ़िया खेलते हैं, मेहनती लोग हैं। और अभी हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनने के बाद हम लगातार उसको कोशिश कर रहे हैं कि सुविधा अच्छा हो। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा आने को जगह उसको चालू किए हैं, और उसके बावजूद भी बस्तर के लोग नांगर जोतने वाले हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। यूपी जी के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने के बाद खेलों की बहार आ गई। आप देख रहे होंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक के लोग खेल रहे हैं, तो खेलों में क्रांति आई है। उसका एकमात्र कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का खेलों के प्रति बहुत लगाव है। ओलंपिक संघ महासचिव होने के साथ आज दो टूर्नामेंट, एक स्टेट लेवल का बैडमिंटन का मैंने समापन किया रायपुर में, और आज हमारे कवासी लखमा जी उद्योग और आबकारी मंत्री जी विशेष अपनी टीम को सहयोग करने के लिए अपना बस्तर का दौरा स्थगित कर हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचे। उनका ये लगाव जो है खेल के प्रति मैं बहुत उपयोगी मानता हूँ, और हमारे मंत्री जी और ऐसे लोगों को उत्साहित करते रहेंगे तो बस्तर जैसी जगह से अबुझमार टाइगर जो है वो खेल रही है, अभी बैटिंग कर रही है। बिलासपुर की टीम बैटिंग कर चुकी है, रोमांचक मैच है, लाइव मैच है। लोगों को मीडिया, मोबाइल, इससे बच्चों को दूर करके ऐसे आयोजन करने के लिए मैं प्रवीण भाई जो हमारे कांग्रेस के स्पोर्ट्स सेल के अध्यक्ष हैं उनको विशेष रूप से बधाई दूंगा। बहुत कठिन परिस्थितियों में ये मैच कराया, मैं जानता हूँ क्रिकेट संघ को, और उनको भी उसके सारा जोर लगाने के बावजूद उन्होंने स्थापित कर दिया, रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में मैच करके दिखा दिया कि वो बहुत अच्छा आयोजन कर सकते हैं। उनको बहुत बड़ी शुक्रिया। स्टील प्लांट की जब स्थापना हुई थी तो यहाँ पे उसी समय ये निश्चित कर दिया गया था कि खेलों के साथ साथ यहाँ पे स्टील बनाने के साथ साथ खेलों को भी और हर तरह की विधा को बढ़ावा दिया जाएगा, और उसी में आप देखेंगे आज भिलाई के अंदर जितने ग्राउंड्स हैं, जितने तरह के खेलों को हम प्रोत्साहन देते हैं, उसी में ये एक भी खेल हो रहा है जो क्रिकेट का खेल हो रहा है। मुझे अच्छा यह लग रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ से सब जगह से टीमें, और बड़ी मेहनत के बाद इन्होंने यहाँ पे इस टीम को लाया है और उसमें हम सहयोगी बन रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। थैंक यू। एक लंबी प्रोसेस थी, छत्तीसगढ़ के 3200 जिलों में हम लोगों ने टैलेंट हंट का कार्यक्रम कराया। हर डिस्ट्रिक्ट पे करीब 150-200-300 ऐसे खिलाड़ी एकत्र हुए और उनके बीच में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनाई, डिस्ट्रिक्ट की टीमें संभाग स्तर पर खेली, संभाग की टीमें उनके 15 दिनों के लगातार कई कैंप लगाए गए, और उसके बाद में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में इनके परफॉर्मेंस को रजिस्टर्ड करने के बाद में हमने 250 खिलाड़ियों का, लगभग 4000 खिलाड़ियों में से चयन किया, और इन 250 खिलाड़ियों का ऑक्शन कराने के बाद में छत्तीसगढ़ की 8 प्रमुख शहरों के नाम से बनाई गई टीमों में इन्हें शामिल किया, और एक साथ प्रदेश व्यापी इस टूर्नामेंट को बनाने के लिए हम लोगों ने इसे भिलाई के सेक्टर 1 स्टेडियम के अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, इसके अलावा बिलासपुर के रघुराजा स्टेडियम में भी हम लोगों ने मैचेस कराए। विभिन्न परिस्थितियों में खिलाड़ियों को खेलने के लिए हम लोगों ने तैयार किया, चाहे वो टर्फ पिच में हो, चाहे वो काली मिट्टी के पिच में हो, चाहे लाल मिट्टी के पिच में हो, दूधिया रोशनी में हो, चाहे वो तेज़ धूप में हो, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग माहौल में हमने अपने खिलाड़ियों को प्रोसेस किया है, ताकि ये खिलाड़ी भविष्य में आईपीएल जैसे जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं देश में, और छत्तीसगढ़ की जो रणजी टीमें बनती हैं उसमें अमूमन देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ के बाहर के खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिला जाता है। आज 7-7 खिलाड़ी बाहर के छत्तीसगढ़ की टीमों में खेलते हैं, तो हमारे खिलाड़ियों में भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत जज्बा है। इन खिलाड़ियों को यदि मौका मिलेगा हमारी रणजी टीम में, तो निश्चित रूप से हमारी टीम जो आज 28वें 27वें नंबर पर आती है वो पहले दूसरे नंबर पे आना चालू हो जाएगी, और मैं चाहता हूं कि ये खिलाड़ी, इनके लिए हम लगातार करें ताकि ये हमारे देश का भी प्रतिनिधित्व कर सके।